गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 14 अक्टूबर 2020, वेनसडे है, सुबह के 8:15 हो रहे। कल इनसाइड बार ट्रेडिंग हमें देखने को मिला निफ्टी इंडेक्स में। कल शाम को एक न्यूज आई थी, ये जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसने कहा है कि इंडिया का GDP जो है वो 10.3% से घट सकता है 2020 में। तो आज इसका असर क्या हो सकता है मार्केट में, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है आर्ली चार्ट में, आप ये डेट यहाँ पर देख सकते हैं, 13 अक्टूबर। कल आप देख सकते हैं जो हमारा ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल था, इसी के बीच में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था। यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हुआ था, इस लेवल्स के ऊपर ये क्लोज नहीं दे पा रहा था, ना ही ब्रेकडाउन के नीचे ये क्लोज दे पा रहा था, इसके बीच में ये ट्रेड हो रहा था। इनसाइड बार ट्रेडिंग यानी प्रीवियस डे यानी 12 अक्टूबर मंडे का जो हाई और लो था, इसके रेंज में ये ट्रेड हो रहा था। तो कल भी यहाँ पर जो हमने प्री मार्केट प्लान बनाया था मार्केट शुरू होने से पहले, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा था कल भी। तो ये साइडवेज पैटर्न था निफ्टी इंडेक्स में, काफी सारे स्टॉक्स देखे तो ट्रेंडलेस स्टॉक ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते। कल US मार्केट नासडैक 12 पॉइंट की गिरावट के साथ, हल्की सी गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आया। यूरोपियन मार्केट्स में लगातार एक कमजोरी साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। आज एशियाई बाजार भी जब ओपन हो चुके तो लगभग सभी एशियाई बाजार ऑलमोस्ट लाल निशान में ट्रेड कर रहे। SGX निफ्टी 43 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा। डाउ फ्यूचर को देखें तो 48 पॉइंट के इस समय बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े अभी इस समय एशियाई बाजारों से कमजोरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। कल आप देख सकते हैं यहाँ पर साइडवेज पैटर्न देखने को मिला। अगर डेली चार्ट को देखें यहाँ पर तो इनसाइड बार यहाँ पर ट्रेडिंग देखने को मिला, यानी ये जो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो है, इसी के बीच में ट्रेड हो रहा था और डोजी कैंडलस्टिक यहाँ पर हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो 38.2% का लेवल है 11,930 के पास, ये लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज करके ये लेवल्स को प्रोजेक्ट किया है। तो अभी इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है और ये यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हुआ है। अभी अगर आर्ली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक रेंज क्रिएट हो चुका है। इस रेंज को अगर ये ब्रेक करता है, ये ऊपर का इसका अपर बैंड हो गया और नीचे ये लोअर बैंड हो गया। अगर यहाँ इनमें से कोई एक अगर ये रेंज को ब्रेक करता है तो ही हमें यहाँ से आने वाले ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन मिल सकता है। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, डबल टॉप फॉर्मेशन। लेकिन अभी जो ये जो इसका नेक लाइन बन रहा है ये ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ये नेक लाइन को ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो यहाँ से हमें करेक्शन गहराता हुआ नजर आ सकता है। तो इसका जो हाइट है, ये जो हाइट है नेक लाइन से लेके इसके टॉप तक, ये हमारा हो सकता है यहाँ से फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद अगर उसको ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स में और करेक्शन गहराता हुआ नजर आ सकता है। ऊपर जाने के लिए इसे 11,930 के बाद 12,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। 12,000 को जैसे ही ब्रेक करता है तो निफ्टी में हमें 12,250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी निफ्टी इंडेक्स 11,930 के पास एक हर्डल फेस कर रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स, कल जो हमारे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स थे वो सेम रहेंगे। ब्रेकआउट लेवल होगा 11,977, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 11,996 फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट होगा 12,021। और टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो 11,909 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 11,887 और सेकंड टारगेट होगा 11,867। तो ये है आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।